गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। ईटीआई के केकेएल सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां पे आज हम देखेंगे 14 जून 2024 के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स स्पॉट के क्या हो सकते हैं। उसी के साथ हम आपके लिए, आप सभी के लिए कुछ टेक्निकल स्टॉक्स लेके आए हैं। कल के केकेएल सीरीज में भी हमने कुछ स्टॉक्स दिए थे, जो कि कोल इंडिया, पीरामल एंटरप्राइज और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। उसमें से कौन से स्टॉक का परफॉर्मेंस हुआ है उस पर भी आज नजर डालेंगे। और आज हम आपके लिए कुछ टेक्निकल स्टॉक्स अगेन लेके आए, और उसी के साथ कुछ जो फंडामेंटल न्यूज है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। सो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि हम लेवल्स पे भी डिस्कशन करने वाले हैं, टेक्निकल स्टॉक्स पे भी डिस्कशन करने वाले हैं, और जो कोई स्टॉक्स का न्यूज है फंडामेंटली, उसका भी हम डिस्कशन करने वाले। सो वीडियो शायद लंबा होगा, वीडियो आपको एंड तक देखना है, क्योंकि जब तक आप एंड तक नहीं देखोगे तो वो लेवल्स का आपको अंदाजा नहीं आएगा, कौन से लेवल से कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है। वो सारा डिस्कशन आज के वीडियो में हम करेंगे। सो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन के लिए। सो हम पहले बैंक निफ्टी के मूवमेंट के ऊपर नजर डालते हैं। ये देखिए, ये हमने डे वाइज चार्ट बैंक निफ्टी का लगाया है, और अगर आप देखोगे तो पिछले 4 दिनों से बैंक निफ्टी एक रेंज बाउंड मोमेंटम हमें देखने मिली है। अगर आप कल का भी देखोगे मोमेंटम, कल भी बैंक निफ्टी में लगभग 50,233 का हाई किया था। आज भी बैंक निफ्टी में एक स्लाइटली गैप अप ओपन होके 50,186 का हाई किया, और वहां से बैंक निफ्टी नीचे आई। बट एक हम बोल सकते कि शार्प डाउन ट्रेंड नहीं देखने मिला, जो कि एक पिछले 4 दिनों से मंडे से लेकर आज तक, थर्सडे तक, एक मोमेंटम जो है एक ही रेंज में है। मतलब ऊपर के साइड में अगर हम देखते हैं तो 50,252 ब्रेक नहीं हो रहा है, और डाउन साइड 49,530 ब्रेक नहीं हो रहा है। मतलब लगभग 600 या 700 पॉइंट का जो मोमेंटम है, उसी रेंज में बैंक निफ्टी चल रही है। सो काफी ठंडा मोमेंटम पिछले 4 दिनों से हो रहा है। बट ओवरऑल अगर आप देखते हो तो ऊपर के स्तर में बैंक निफ्टी में एक, हम बोल सकते कि ऊपर जैसे ही जाते हैं वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। अगर आप चारों दिन देखोगे मंडे से लेकर आज तक, तो चारों दिन में ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी जाता है 50,200 के आसपास, वहां से एक सेलिंग हमें देखने मिल रही है। सो आने वाले सेशन, मतलब फ्राइडे के लिए, कल के लिए हमारा हफ्ते का आखिरी दिन है ट्रेडिंग का, हफ्ते का आखिरी दिन, तो हम ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर 50,252 अगर ब्रेक होता है तो ही बैंक निफ्टी में तेजी दिखेगी। अदरवाइज बैंक निफ्टी में हमने कल भी कहा था कि गिरावट देखने मिल सकती है, बट पिछले 2-3 दिन से जो मोमेंटम साइडवेज हो रही है, उसके वजह से जो हमें तेजी, मतलब मंदी जो एक्सपेक्टेड है, जो गिरावट एक्सपेक्टेड है, वो हमें बैंक निफ्टी में नहीं देखने मिली है। सो दोस्तों, ये था आज का, जस्ट हमने बैंक निफ्टी का देखा। आज का बैंक निफ्टी का लो हुआ है 49,799, लगभग 48 पॉइंट से बैंक निफ्टी में गिरावट देखने मिली है कल के क्लोजिंग से। 49,846 पे बैंक निफ्टी आज सेटल हुआ है। सो इतना कुछ खास मोमेंटम नहीं देखने मिला पिछले 4 दिनों में। सो अभी हम डिस्कस करते हैं 14 जून के लिए बैंक निफ्टी के लेवल्स। सो दोस्तों, आप सभी के लिए हमने लेके आए हैं जो कि 14 जून के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट के लेवल्स। अगर आप देखते हो तो जो कल का क्लोजिंग बैंक निफ्टी का था 49,895, और आज का, मतलब थर्सडे का, 13 जून का बैंक निफ्टी का क्लोज है 49,846। अगर आप देखते हो तो कल का क्लोजिंग और आज का क्लोजिंग लगभग सेम ही है। अगर आप कल का 50% भी देखते हो 49,965, और आज का 50% है 49,993, और आज का क्लोजिंग है 49,846। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ऊपर के स्तर से बैंक निफ्टी नीचे की तरफ क्लोजिंग दे रहा है, जो कि 50% के नीचे। हमें ऐसा लग रहा है कि करंट लेवल से बैंक निफ्टी, मतलब अगर आप देखोगे तो 49,846, मतलब जो लो और उसके ऊपर एक जो 49,890 का लेवल है, उसके बीच में बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है। हमें ऐसे लग रहा है करंट लेवल से अगर
आज का लो मतलब 49,799 ब्रेक हुआ तो बैंक निफ्टी में एक 300 से 400 पॉइंट की गिरावट देखने मिल सकती है, क्योंकि अगर आप आज एंडिंग का मोमेंटम देखोगे बैंक निफ्टी में लास्ट का 15 मिनट या 20 मिनट अगर आप देखते हो तो 49,830, 840 बहुत टाइम से सुबह से मतलब दोपहर के सेशन में ब्रेक नहीं हो रहा था, बट लास्ट के 15 से 20 मिनट में बैंक निफ्टी ने 49 जो 860, 840 का जो सपोर्ट था वो ब्रेक करके थोड़ा सा 49,817 तक का एक मोमेंटम दिया था। तो ओवरऑल हमें ऐसे लग रहा है अगर करंट लेवल से अगर 49,799 ब्रेक होता है मतलब कल के आज के क्लोजिंग से तो हमें 49,708 ये लेवल देखने मिल सकता है। अगर 49,708 भी ब्रेक हुआ तो 49,651 देन 49,606 देन 49,560 ये सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा, जो कि पिछले 3 दिनों का जो लो है 49,530 उसी के नजदीक 49,560 का लेवल है। सो 49,560 और 49,530 अगर ब्रेक होता है तो हमें 49,412 का बैंक निफ्टी में लेवल कल के सेशन में देखने मिल सकता है। बट कभी अगर आज का लो ब्रेक हुआ तो अगर कल मॉर्निंग में बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होके अगर ऊपर आती है मतलब 49,890, 49,947 और 49,993 के आसपास अगर आती है तो वहां पे शायद सेलिंग का रिवर्सल पैटर्न या फिर कैंडलस्टिक या कुछ ट्रेंड बन सकता है। कभी अगर करंट लेवल से फ्लैट ओपन होके बैंक निफ्टी अगर ऊपर आती है तो ओवरऑल आप सीनारियो देखोगे तो ऊपर के लेवल में जैसे ही बैंक निफ्टी जाती है 50,200 के आसपास वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है। सो वही साइकोलॉजी के हिसाब से हम ये आपको बताते हैं मतलब एक अनुमान लगाते हैं कि करंट लेवल से अगर बैंक निफ्टी ऊपर भी आया 49,890, 49,957 या फिर 49,993 के आसपास भी आया तो वहां पे एक सेलिंग का कोई पैटर्न, कोई कैंडलस्टिक, कोई कंडीशन बन सकती है शायद से, क्योंकि ओवरऑल जो देख रहे हैं जो सिनेरियो आज भी अगर आप देखोगे तो ओवरऑल ऊपर के लेवल से सेलिंग देखने मिली है। एक बार पुशबैक होने की कोशिश हुई बैंक निफ्टी में लेकिन वहां से अगेन 50,031 के आसपास बैंक निफ्टी में अगेन वहां पे सेलिंग देखने मिली। सो ओवरऑल अगर 50,252 अगर ब्रेक होता है तो ही बैंक निफ्टी में तेजी देखने मिलेगी, या फिर अगर 50,186 मतलब आज का हाई अगर ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी 50,277 तक आ सकती है। अगर वो लेवल ब्रेक हुआ तो ही बैंक निफ्टी 50,334, 50,379, 50,425 और 50,573 ये लेवल तक आ सकती है। बट उसके लिए पहले बैंक निफ्टी को 50,186 और 50,252 का जो इम्पोर्टेंट हर्डल है जो कि पिछले 3-4 दिनों से है वो ब्रेक करना होगा। बट करंट सिनारियो जो है एक मोमेंटम रेंज बाउंड में है। सो करंट लेवल से हमें ऐसे लग रहा है कि अगर आप देखोगे पिछले 3 दिनों का बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होके ऊपर जाती है फिर नीचे आती है। उसी हिसाब से हमें वही एक्सपेक्टेड है कल के दिन भी, जो हमने अपसाइड के और डाउनसाइड के दोनों के एक्सपेक्टेशन के जो लेवल से वो हमने आपसे डिस्कस किए हैं। अब हम आते हैं निफ्टी के ऊपर। अगर आप देखोगे निफ्टी में आज एक गैप अप ओपनिंग देखने मिली और पिछले 3 दिनों का मतलब 23,411, 23,441 ये जो हाई था ये ब्रेक करके बैंक निफ्टी ने सॉरी माफ कीजिए निफ्टी ने 23,481 का एक हाई किया। बट अगर आप निफ्टी में भी देखते हो तो जो नए हाई पर भी अगर निफ्टी है तो नया जो फोर्स से जो मोमेंटम होना चाहिए था वो हो नहीं रहा है, बल्कि ऊपर गैप अप होता है और वहां से अगेन निफ्टी भी डाउन साइड की मोमेंटम दे रही है। डाउन साइड की मतलब नेगेटिव तो क्लोजिंग नहीं हो रही है बट जो मॉर्निंग में ओपन होता है गैप अप होने के बाद उसके बाद एक गिरावट या फिर वहां पे प्रॉफिट बुकिंग हम बोल सकते हैं वो हमें निफ्टी में भी देखने मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो निफ्टी भी लगभग 4 दिनों से मंडे से लेकर एक रेंज बाउंड में ही हमें देखने मिल रहा है। अगर हम कल का क्लोजिंग डिस्कस करते हैं तो कल निफ्टी 23,322 के आसपास सेटल हुआ था और आज के दिन मतलब थर्सडे के दिन निफ्टी लगभग 75 पॉइंट्स पॉजिटिव से 23,398 के आसपास क्लोजिंग दिया है।
हम अब क्या करते हैं, निफ्टी के लिए जो लेवल्स है डिस्कशन है वो करते हैं कल के लिए, जो कि 14 जून के लिए। निफ्टी अगर आप देखोगे तो 23,398 का निफ्टी का क्लोजिंग आया है, जो कि कल के लिए जो 50% लेवल है उसके नीचे आया है। तो इसका मतलब यह है कि निफ्टी भी अगर 23,441 या 480 का, मतलब ज्यादा पॉइंट का डिफरेंस इसमें नहीं दिख रहा है, बट अगर 441 भी क्रॉस हुआ तो मैक्सिमम 481 तक जाके अगेन वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। तो ज्यादा तेजी भी एक्सपेक्टेड नहीं लग रहा है। तेजी कब होगी, अगर 23,441 और 23,480 ये लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो यहाँ पे हमें निफ्टी में तेजी देखने मिल सकती है। तेजी के लेवल्स कितने हैं वो जस्ट डिस्कस करते हैं। अगर करंट लेवल से, जो करंट क्लोजिंग है आज का थर्सडे का 23,398 है, ये देखिए आज के 50%, मतलब कल के लिए जो 50% है उसके नीचे क्लोजिंग है। करंट लेवल से अगर 23,441 जो कि वेनसडे का हाई था और 23,481 जो कि थर्सडे का, मतलब आज का हाई, अगर ब्रेक होता है तो निफ्टी 23,511, 23,529 और 23,544 और 23,559 ये लेवल्स आ सकते हैं, बट चांसेस कम दिख रहे, क्योंकि अगर आप पिछले 3-4 दिनों से मूवमेंट देखोगे तो स्लाइटली अप होके वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है। करंट लेवल से अगर निफ्टी ऊपर आती है, मतलब करंट लेवल 23,398 का आज का क्लोजिंग है, तो जो हमारे पास 23,383 का एक लेवल है, उसी लेवल के आसपास और एक 23,402 का लेवल है। 23,402 के लेवल के आसपास आज का क्लोजिंग है। हमें ऐसा लग रहा है कि करंट लेवल से अगर बैंक निफ्टी, माफ कीजिए अगेन, निफ्टी 23,417 या 23,432 ये लेवल्स आती है तो वहां पे शायद एक सेलिंग का कोई कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई अलग दूसरा पैटर्न जो कि कैंडलस्टिक फॉर्मेशन में होता है वो बन सकते हैं, या फिर वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। ओनली अबाउट 23,441 एंड 481 के लेवल के ऊपर जाता है तो ही निफ्टी में तेजी देखने मिलेगी। अदरवाइज करंट लेवल से हमें ऐसे लग रहा है कि निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद निफ्टी एक गिरावट देखने मिलेगी। निफ्टी में शार्प गिरावट कहाँ पे देखने मिलेगी, अगर करंट लेवल से 23,383 डाउन साइड अगर ब्रेक होता है तो हमें पहला सपोर्ट रहेगा 23,353 का, जो कि आज का लो है, और वो भी ब्रेक होता है तो हमें 23,323, 23,305, 23,290, 23,275 और 23,226 ये लेवल्स देखने मिल सकते हैं। बट उसके लिए पहले निफ्टी को आज का जो लो है 23,353 का वो ब्रेक करना होगा डाउन साइड। तेजी कब होगी, ओनली अबाउट 23,441 एंड 23,481। सो आप सभी को ये नोट डाउन करना है और ये ध्यान में रख के कल के लिए प्लानिंग करना है। ओवरऑल जैसे हमने कल के सीरीज में भी एक्सपेक्ट किया था कि सेल ऑन राइज निफ्टी और बैंक निफ्टी में हो सकता है, बट पिछले 3 दिनों से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों साइडवेज मूवमेंट होने के कारण उतना मोमेंटम जो हमें एक्सपेक्टेड है वो मिल नहीं रहा है। ओवरऑल कल के लिए भी थोड़ा एक हम बोल सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग के एक देख सकते हैं, क्योंकि कल फ्राइडे है, हफ्ते का आखिरी दिन है, तो शायद प्रॉफिट बुकिंग और देखने मिलेगी निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। दोस्तों ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए 14 जून के लिए लेवल्स। अब हम एक नजर डालते हैं, जो कि हमने बहुत दिनों के बाद आप सभी के लिए स्टॉक दिया था जो कि पीरामल एंटरप्राइज, उसके ऊपर एक नजर डालते हैं कैसे परफॉर्मेंस रहा है। ये देखिए एक शानदार इसमें मोमेंटम पीरामल एंटरप्राइज में देखने मिली है, जो कि हमने हमारे कल के केकेएल सीरीज में आप सभी से डिस्कस किया था। अगर आप देखोगे तो कल ये स्टॉक लगभग 865 के अराउंड क्लोजिंग था और आज जैसे ही ये स्टॉक ओपन हुआ तो ओपन होके 867 के आसपास लो किया, मतलब जो कल का हाई था उसके आसपास एक लो किया और उसके बाद स्टॉक ने 892 का हाई बनाया। लगभग 2% तेजी ये स्टॉक ने आज दी है। तो आप सभी इन्वेस्टर्स ने जिसने भी बाय किया उन सभी को पीरामल एंटरप्राइज में
एक अच्छा खासा मोमेंटम मिला होगा। स्टॉक लगभग 15 रुपए से आज पॉजिटिव है। करंटली स्टॉक 880.60 के आसपास क्लोजिंग है। सो एक अच्छा खासा मोमेंटम ये स्टॉक ने हमारे दिया है। दूसरा स्टॉक हमने दिया था जो कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। पिछले 6 महीनों के बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है, तो उसका भी परफॉर्मेंस एक बार नजर डालते हैं। ये देखिए, सो एलआईसी भी लगभग 3.90 रुपीज आज पॉजिटिव है, बट स्टॉक आज ओपन होने के बाद 706 रुपए का लो किया और उसके बाद 726 का हाई किया है। सो ओवरऑल ये स्टॉक ने भी एक अच्छा खासा मोमेंटम आज के दिन दिया है। ओवरऑल ये स्टॉक पोजिशनल भी, मतलब हम बोल सकते हैं कि 1 महीना या 2 महीने के लिए भी हम बोल सकते हैं इसमें अच्छे खासे लेवल्स आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 6 महीने के बाद इसमें ब्रेकआउट आया है। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है। इसके हिसाब से हमने ये आपसे स्टॉक स्टडी के हिसाब से आपको डिस्कस किया है। अभी भी अगर ये स्टॉक 720 का लेवल अगर सस्टेन होता है ऊपर के साइड में, तो हमें 768 का और 794 और 830 का लेवल्स देखने मिल सकता है, बट उसके लिए आप सभी को 2 महीना या 3 महीना शायद होल्ड करना पड़ सकता है। सो ये स्टॉक पे भी आप सभी को नजर रखना है। आज भी स्टॉक पॉजिटिव ही क्लोजिंग दिया है। तीसरा स्टॉक हमने जो डिस्कस किया था कल, कोल इंडिया, उसका मोमेंटम देखते हैं। देखिए, कोल इंडिया का आज कुछ इतना प्रदर्शन खास नहीं रहा है, जो कि कल 488 के आसपास क्लोजिंग था। आज स्टॉक ने लगभग 483 का लो किया है और 493 का हाई किया है। सो ये स्टॉक भी हमें आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है, कोल इंडिया का। तो इस स्टॉक पे भी आप सभी को नजर रखना है। हमने हमारे कल के सीरीज में ये स्टॉक डिस्कस किया था, तो उस पे भी नजर डालना है। ठीक है, अब हम हमारे कल के लिए, मतलब 14 तारीख के लिए जो स्टॉक है, जो कि टेक्निकल स्टॉक है, उन पे एक नजर डालते हैं। जो कि हमारा पहला स्टॉक है एचडीएफसी लाइफ। ये देखिए, हमारा पहला स्टॉक है कल के लिए टेक्निकल, जो कि एचडीएफसी लाइफ। ये स्टॉक आज लगभग 3.5% के तेजी से मोमेंटम देखने मिली है। स्टॉक लगभग 593.50 के आसपास चल रहा है। आज स्टॉक लगभग 20.80 रुपए तेजी से क्लोजिंग हुआ है। हमें ऐसे लग रहा है कि करंट लेवल से अगर ये स्टॉक थोड़ा नीचे आता है तो लगभग 577, ये भी आपके लिए एक अच्छा बाइंग लेवल हो सकता है। बट करंट लेवल से अगर ये स्टॉक ऊपर जाता है तो हमें 605, 618 और 640 के लेवल्स एचडीएफसी लाइफ में देखने मिल सकते हैं। अगर ये स्टॉक करंट लेवल से नीचे आया तो 577 और 563 के लेवल्स एक अच्छा खासा बाइंग का लेवल हो सकता है एचडीएफसी लाइफ में। स्टॉक को 540 के आसपास या 537 के आसपास जो सपोर्ट है वो अगर ब्रेक हुआ डाउन साइड, तो आपको एग्जिट करना है, मतलब स्टडी के हिसाब से। और करंट लेवल से हमने जो लेवल डिस्कशन किया एचडीएफसी लाइफ में, कि ऊपर जा सकता है 595 अगर क्रॉस हुआ तो 605 और 618 और 640 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। सो हमारा कल के लिए या फिर आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए दूसरा स्टॉक है जो कि गोदरेज इंडस्ट्री। एक अच्छा खासा मोमेंटम हम इसमें भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करंटली स्टॉक आज लगभग 4.5% के तेजी से क्लोजिंग दिया है। 834 के अराउंड आज क्लोज हुआ है। लगभग 34.30 रुपीज आज स्टॉक ने पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। अगर आप इसमें देखोगे तो एक हम बोल सकते हैं कि एक बाइंग का रिकवरी इसमें देखने मिलेगा। करंट लेवल से स्टॉक पहले रेजिस्टेंस है जो कि 861 का है, और मतलब करंट लेवल से 861 तक आ सकता है, और 861 भी अगर क्रॉस किया तो स्टॉक 897 के लेवल्स देखने मिलेंगे। और 897 का भी लेवल अगर क्रॉस हुआ गोदरेज में तो लगभग 920 के लेवल्स देखने मिलेंगे। करंट लेवल से स्टॉक अगर लगभग 800 के आसपास आता है तो वो भी एक अच्छा खासा बाइंग का लेवल हो सकता है।
स्टॉक को 780 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक होता है तो हमें उसमें से एक एग्जिट की तरह निकलना है। सो ये था हमारा दूसरा स्टॉक जो कि गोदरेज इंडस्ट्री। तीसरा स्टॉक है रैमको सीमेंट। स्टॉक लगभग आज 6 रुपए के पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। ये स्टॉक में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रैमको सीमेंट में। तो आप सभी को ये स्टॉक पे थोड़ा ध्यान ज्यादा देना है, रैमको सीमेंट पे। ये देखिए करंट लेवल से अगर स्टॉक रिट्रेस होता है डाउन साइड, तो अभी 866 के अराउंड चल रहा है, तो करंट लेवल से अगर 848 या फिर 816 अगर स्टॉक आता है तो वो भी एक अच्छी खासी लेवल हो सकती है। और करंट लेवल से अगर स्टॉक ऊपर गया तो पहला लेवल है जो कि 888 का, और 888 अगर क्रॉस होता है तो 940 का लेवल आपको रैमको सीमेंट में देखने मिलेगा। सो डाउन साइड हमने बोला कि करंट लेवल से पॉजिटिव ही लग रहा है, बट डाउन साइड करंट लेवल से अगर आता है तो 848 और 816 ये एक अच्छा लेवल होगा बाइंग के लिए। और करंट लेवल से अगर सीधा ऊपर गया तो हमारे लिए 888 का पहला लेवल है, और 888 अगर क्रॉस होता है तो 940 का हमारा सेकेंड लेवल है, वो आने की संभावना है। अब हमारा चौथा स्टॉक है जो कि आरती इंडस्ट्री। ये भी स्टॉक में अगर आप देखोगे तो स्टॉक आज लगभग 1.5% के तेजी से क्लोजिंग हुआ है, अराउंड 9 रुपीज 60 पैसा आज पॉजिटिव है। करंटली स्टॉक इज ट्रेडिंग अराउंड 675.25। तो करंट लेवल से हमें स्टॉक में एक तेजी एक्सपेक्टेड है। स्टॉक को अगर आप देखोगे तो करंट लेवल पे स्टॉक को एक लगभग 610 का या 606 का एक सपोर्ट है, और जो करंट लेवल पे स्टॉक एक रेजिस्टेंस पे खड़ा है तो यहां से एक पॉजिटिव मोमेंटम आने एक्सपेक्टेड है। तो 675 या फिर 678 अगर क्रॉस होता है तो स्टॉक लगभग 712 के लेवल तक आ सकता है, और 712 भी अगर क्रॉस हुआ तो स्टॉक अराउंड 767 का लेवल आ सकता है। तो करंटली स्टॉक 675 के आसपास है, तो 678 अगर क्रॉस होता है तो 712 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं आरती इंडस्ट्री में, और 712 भी अगर क्रॉस होता है तो 767 के लेवल्स आरती इंडस्ट्री में देखने मिल सकते हैं। स्टॉक को 600 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। करंट लेवल से अगर स्टॉक 640 के लेवल्स पे भी आता है तो भी एक अच्छा खासा बाइंग होगा, मतलब अभी 675 पे चल रहा है, तो करंट लेवल से स्टॉक अगर 640 आता है तो हमें एक अच्छा खासा बाइंग लेवल इसमें देखने मिल सकता है। तो दोस्तों आज हमने टोटल 4 स्टॉक्स आपसे डिस्कस किया है जो कि टेक्निकल बेसिस पे है, जो कि आने वाले कुछ महीनों में आपको अच्छा खासा रिटर्न या फिर अच्छा खासा मोमेंटम दे सकते हैं। हमने आज बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस किए, निफ्टी के लेवल्स डिस्कस किए, उसके साथ जो 4 स्टॉक्स है कल के लिए या फिर आने वाले दिनों के लिए वो भी डिस्कस किए। हमारे जो कल के सेशन के केकेएल सीरीज के जो स्टॉक्स थे जैसे कि पीरामल एंटरप्राइज, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और कोल इंडिया, उस पर भी हमने एक नजर डाली। अब हम जो एक फंडामेंटल न्यूज है उस पर एक नजर डालते हैं। तो दोस्तों ये जो न्यूज है वो है रिलायंस जियो के बारे में। तो आप सभी को ये नोट डाउन करना है कि रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म से भारत ने सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करने की बोली में बाधा पर कर ली है। ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया को जारी की गई 3 स्वीकृतियां, जिसका उद्देश्य उपग्रह आधारित हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करना है, ऐसे समय में आई है जब amazon.com से लेकर एलन मस्क के स्टारलिंग तक की कंपनियां दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में सैटेलाइट संचार सेवाएं शुरू करने की अनुमति के लिए होड़ कर रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो प्लेटफॉर्म्स और लग्जर स्थित एसीएस के बीच गीगाबिट फाइबर इंटरनेट प्रदान करने के लिए एक संयुक्त उद्यम को भारतीय अंतरिक्ष नियामक से वहां उपग्रह संचालित करने की मंजूरी मिल गई है, एक सरकारी कार्यकारी ने ये कहा है। सो सबसे इंपॉर्टेंट
रिलायंस जियो के लिए है, ये इम्पोर्टेंट न्यूज है। सो अधिकारी को पहले रिपोर्ट नहीं की गई थी, उन्होंने अप्रैल और जून में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र जिसे आयन स्पेस के रूप में जाना जाता है और इससे ऑर्बिट कनेक्ट को भारत के ऊपर उपग्रह का संचालन करने की अनुमति मिल गई है, लेकिन परिचालन शुरू करने के लिए देश के दूर संचार विभाग से आगे की मंजूरी की आवश्यकता है। सो रिलायंस जो जियो का मालिक है, उन्होंने आगे की जानकारी मांगने वाले ईमेल का जवाब अभी तक दिया नहीं है, बट ये एक अच्छा खासा एक पॉजिटिव नोट है जो कि रिलायंस जियो के बारे में। तो आप सभी को ये न्यूज जो फंडामेंटल हमने डिस्कस किया है इस पे आपको नजर रखना है। सो दोस्तों, ये था हमारा आज के दिन का जो इम्पोर्टेंट एक हमने फंडामेंटल न्यूज जो कि रिलायंस जियो के बारे में वो भी डिस्कस किया। उसी के साथ हमने आपसे जो टेक्निकल स्टॉक्स है उसपे भी डिस्कशन किया। उसी के साथ हमने फंडामेंटल न्यूज है वो भी डिस्कस किया। निफ्टी बैंक निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स भी आप सभी से डिस्कस किए, कहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ पे सपोर्ट है। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, और हम सभी इन्वेस्टर्स का सभी ट्रेडर्स का धन्यवाद चाहते हैं जो हमें मैसेज करके हमें हमारे सोशल मीडिया थ्रू जो कनेक्ट है उन सभी का हम धन्यवाद चाहते हैं। जो हमारा ETI का इंस्टाग्राम पेज हो, जो हमारे यूट्यूब के चैनल्स हो, जो हमारे यूट्यूब पे वीडियोज है ETI के, वो भी आपको सबको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, ताकि जो आने वाले समय में और भी हम कुछ अच्छे नए टॉपिक पे नए मोटिवेशनल नए इनोवेटिव जो वीडियोस बनाने वाले उन सभी को आपको देखने मिलेगा। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको एक जो नोटिफिकेशन आता है तो उससे आपको पता चलेगा कि ETI के और कुछ नए वीडियोस आ रहे हैं। सो दोस्तों, हमारा जो वीडियो है वो एंड तक हर रोज देखना ना भूलिए। हर रोज मंडे टू थर्सडे हम रात को 8:30 या 9 बजे तक यूट्यूब पे हम ये जो KKL सीरीज का वीडियो है वो पोस्ट करते हैं, और जो मंडे के लिए जो वीडियो होता है मतलब मंडे के लिए जो मार्केट का व्यू होता है वो हम एवरी सैटरडे या एवरी संडे नाइट को 8:30 या 9 PM हम यूट्यूब पे पोस्ट करते हैं। सो ये है एक नए जो हमारे ट्रेडर है नए इन्वेस्टर्स है उनके जानकारी लेके हमने ये आज एक जस्ट इंफॉर्मेशन आपको दे दिया है, ताकि आपको वेट ना करना पड़े हमारे वीडियोस के लिए। सो आपका ऐसे ही प्रेम और आशीर्वाद हमको चाहिए, तो हम सभी का आपका धन्यवाद चाहते हैं। सो यही पे आज का वीडियो हम खत्म करते हैं, एंड ऑल द बेस्ट फॉर ट्रेडिंग 14 जून 2024, एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।